हेलो फ्रेंड्स, तो हम डीटी का नेक्स्ट डिवीज़न लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ थोड़े से सेक्शन इसके रह गए हैं, वो हम रीड करेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन 43A, जो क्या बोलता है, असेट एक्वायर्ड फ्रॉम द फॉरेन। अभी सेक्शन क्या बोलता है आपको इस चार्ट से समझ में आएगा। अगर हम फॉरेन से इंडिया में कोई भी असेट परचेज कर रहे हैं एंड उस परचेज का पेमेंट हमने हाथों हाथ उसका नहीं किया, एंड हम क्या कर रहे हैं, या तो फॉरेन करेंसी लोन ले रहे हैं एंड लोन लेके हम उस असेट को परचेज कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन सप्लायर क्रेडिट ले रहे हैं, मतलब सप्लायर ने खुद ने हमें कुछ क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, उस क्रेडिट पीरियड के बाद में उस सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। तो दोनों ही केस के अंदर जो भी लॉस होगा या फिर जो भी गेन होगा ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑन द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, वो हमें एडजस्ट करने पड़ेगा असेट की ब्लॉक से। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि जब भी हम कोई असेट फॉरेन से एक्वायर करते हैं एंड उसको हम या तो लोन लेकर एक्वायर कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, या फिर हमें सप्लायर ही क्रेडिट पीरियड कुछ अलाउ कर रहा है, तो हम जब भी एक्चुअल पेमेंट करेंगे, चाहे हम लोन का एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं एक टाइम के बाद में, या फिर क्रेडिट पीरियड के बाद में हम सप्लायर को एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के टाइम पर जो भी लॉस या फिर गेन होगा ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो जो भी लॉस होगा या फिर जो भी गेन होगा हमें असेट के जो ब्लॉक होता है उसे एडजस्ट करना है। अब अगर गेन होगा तो हम क्या करेंगे, असेट की जो भी कॉस्ट है उसमें से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। एंड अगर हमें लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, उसको असेट के ब्लॉक में ऐड कर देंगे, तो हमें उस लॉस पर डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हमें करना है। इसके अलावा ये बोलता है प्रॉफिट एंड गेन या फिर जो भी लॉस होगा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर हमने क्या किया, फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटी है एंड उस लाइबिलिटी को हम एक लिमिट तक उसका लॉस को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब उस हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी गेन होगा और जो भी लॉस होगा उसको भी हमें ब्लॉक ऑफ असेट से एडजस्ट करना है। मतलब अगर उस हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे हमें गेन होता है तो हम उससे जो ब्लॉक ऑफ असेट होता है उसमें से लेस कर देंगे, एंड अगर उस पर लॉस होगा तो हम उसको ब्लॉक में ऐड कर देंगे। तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट करना है। इसके साथ ही हमारी ये सेक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेक्शन आती है 43AA, जो बोलती है टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, ये सेक्शन बेसिकली ये बोलता है कि जो भी हमारी जो रेट्स होती है उसमें फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी गेन और लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये क्या बोलता है, फ्लक्चुएशन ड्यू टू द चेंज इन रेट्स कंप्यूटेड एज पर ICDS। सबसे पहली बात तो ये ICDS में जैसा लिखा हुआ है वैसे हमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का गेन और लॉस कंप्यूट करना है। ये जब हम ICDS रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें गेन और जो लॉस है वो कंप्यूट करना है। उसके बाद ये क्या बोलता है कि जो भी गेन और लॉस होता है वो हमें एज पर ICDS कंप्यूट करना है, एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो कंप्यूट करना है लेकिन कौन से ट्रांजेक्शन्स पे करना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स के नाम दिए हैं, ये बेसिकली आपने FR के अंदर या SFM के अंदर ये टर्म्स रीड की हुई है ऑलरेडी। ये क्या बोलता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे जो भी गेन लॉस होगा वो कंप्यूट करना है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व से रिलेटेड, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। तो ये फॉरेन ऑपरेशंस के कुछ P&L अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है उनको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो उससे जो भी गेन लॉस होगा वो हमें कंप्यूट करना है। इसके अलावा हम कुछ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मतलब अगर हमारी कोई फॉरेन एक्सचेंज रिसीवेबल है या पेबल है तो उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका गेन और लॉस हमें कंप्यूट करना है एज़ पर ICDS। तो यही बोलता है ये सेक्शन बेसिकली 43AA। तो इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 41, दैट इज डीम्ड PGBP। तो इसमें सबसे पहला सबसेक्शन है 1, जो बोलता है रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड, रेमिशन और सीजेशन ऑफ दी एनी एक्सपेंस लॉस एंड ट्रेडिंग लाइबिलिटीज टैक्सेबल अंडर PGBP। तो सबसे पहले मैं आपको इस सेक्शन का बेसिक बता दूँ। ये सेक्शन बेसिकली ये बोलता है कि अगर हमने क्या किया, किसी प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी लॉस, कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली एंड उसकी हमने क्या किया, डिडक्शन क्लेम कर दिया, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट जो ईयर्स होते हैं फ्यूचर में जाकर वो हमें लॉस है वो रिकवर हो गया, या फिर जो लाइबिलिटी है उसका वेव ऑफ हो गया, या जो लाइबिलिटी थी अब वो लाइबिलिटी रही नहीं, तो उस केस में क्या होगा। तो ये बोलता है कि जो भी एक्सपेंडिचर लॉस या फिर जो भी ट्रेडिंग लाइबिलिटीज़ जो हम पहले क्लेम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में
सब्सिक्वेंट ईयर में जाके अगर उसका रिमिशन होता है या फिर उसका सीजेशन होता है, तो उस केस के अंदर वो जो भी लाइबिलिटी हमने पहले रिकॉर्ड की थी, वो आने वाले जो भी ईयर्स हैं जब रेमिशन या फिर सीजेशन हुआ उस ईयर के अंदर, वो टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हम अगर लॉस बाय फायर हुआ स्टॉक का, उसको रिकॉर्ड किया एंड फ्यूचर में जाकर उसका कंपनसेशन मिलता है हमें इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें टैक्स का कुछ रिफंड मिलता है या फिर वेवियर ऑफ एनी लाइबिलिटी, कोई भी हमारी लाइबिलिटी है इंटरेस्ट पेमेंट की हो गई या कोई भी लाइबिलिटी एक्स वाई जेड, तो वो हमें अगर उसका वेव ऑफ होता है तो उस केस में वो भी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, 41(1) विल बी अट्रैक्टेड इन केस ऑफ वेवियर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन ब्रैकेट में प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर जो भी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लोन लिए उनका वेव ऑफ होता है उसके प्रिंसिपल का, ये इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो उस केस में भी जो भी वेव ऑफ हुआ वो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे ये सेक्शन कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी सा सेक्शन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 41(3) जो बोलता है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट। तो हमने सेक्शन 35 रीड किया था, उसमें हमने साइंटिफिक रिसर्च रीड किया था, जिसमें हमने देखा था कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हमें डिडक्शन मिलती है असेट के केस में, तो हम उसको डिटेल्स में पहले रीड कर चुके हैं। अब ये क्या बोलता है कि हमने जो साइंटिफिक रिसर्च असेट है उसको हमने सेल किया आफ्टर द यूज इन बिजनेस या फिर हमने सेल किया विदाउट यूज इन बिजनेस, तो दोनों केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो फर्स्ट हम रीड करते हैं सेल आफ्टर द यूज इन बिजनेस। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर हम साइंटिफिक रिसर्च असेट को हमारे बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो हमने सेक्शन 43(1) की जो एक्चुअल कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन थी उसमें रीड किया था कि ब्लॉक में उसकी कॉस्ट हमेशा निल एड होती है। इसके अलावा जब उसको हम सेल आउट करेंगे आफ्टर द यूज इन बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा? तो ये बोलता है एट द टाइम ऑफ सेल सेक्शन 50 अप्लाई। तो सेक्शन 50 हम पहले रीड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर हुआ तो क्या करना है, फुल ब्लॉक ट्रांसफर हुआ तो क्या करना है, तो जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है बाकी सब डेप्रिशिएबल असेट का, वैसा ही यहाँ पर सेल के केस में ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट ये बोलता है सेल विदाउट यूज इन बिजनेस। तो हमने क्या किया, उसको बिजनेस में यूज़ नहीं किया, हमने उसको बिना बिजनेस में यूज़ किया उसको सेल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो ये बोलता है कि पीजीबी की इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सेलिंग प्राइस और डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 विच एवर इज लोअर। तो हमने जितने में उसको सेल किया एंड उसको हमें कंपेयर करना है सेक्शन 35 में हमने कितनी डिडक्शन ली साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, उन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगी वो पीजीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये बोलता है इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट देन कैपिटल गेन ऑल्सो अराइज। ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर हमने कॉस्ट से ज़्यादा पे सेल किया, मतलब हमने उसको परचेज तो किया था 1 लाख में लेकिन 120 में उसको सेल कर रहे हैं, तो बाकी का कॉस्ट से ज़्यादा जितना भी गेन होगा वो पीजीबी में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। मतलब यहाँ पर 20,000 है वो कैपिटल गेन में जाएगा। तो इसके साथ ये भी सेक्शन हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है सेक्शन 44(a), ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बोलती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चार्ट के अंदर दो केस दिख रहे हैं, एक तो बिजनेस और एक प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं, तो ये बोलता है बिजनेस में भी यहाँ पे टू पार्ट है, फर्स्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एंड सेकंड अदर एसएससी के लिए। तो ये बोलता है कि जो भी इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है उनकी पीजीबीपी की इनकम, मतलब जो जीपी आता है वो, अगर जो हमने पीजीबीपी के सेक्शन अप्लाई करके एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया वो अगर 2,50,000 से अबव है या फिर उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 25 लाख से अगर अबव है, ठीक है, एंड अदर एसएससी के केस के अंदर अगर पीजीपी इज मोर देन 1,20,000 एंड टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट मोर देन 10 लाख, तो ये सब लिमिट्स अगर पूरी हो रही है तो उस केस के अंदर ये क्या बोलता है, इन एनी ऑफ द 3 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर और लाइकली टू बी एक्सीडिंग इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब ये जो लिमिट है 2,50,000, 25 लाख, 120 एंड 10 लाख, तो ये क्या है, इन एनी ऑफ द 3 प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम देख रहे हैं उससे प्रिसीडिंग जो 3 प्रीवियस ईयर है, उन 3 जो प्रीवियस ईयर है पिछले, उनमें से किसी भी ईयर के अंदर ये लिमिट्स अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो उस केस के अंदर उस एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये बोलता है अगर वो न्यूली स्टार्टअप है,
न्यूली सेटअप हुआ है बिजनेस, तो उस केस के अंदर हमें लग रहा है लाइकली टू बी एक्सीड, मतलब हमें लग रहा है कि इस लिमिट तक पहुंच जाएगा टर्नओवर या पीजीबीपी, तो उस केस में असेसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी जरूरी है। तो ये क्या बोलते हैं, असेसी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच एओ इज एबल टू कंप्लीट द असेसमेंट, अदरवाइज असेसी नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बोलता है असेसी को उतनी सफिशियंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी जिनसे कि एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट कर पाए, लेकिन अगर वो इन लिमिट्स के अंदर नहीं आ रहा, मतलब प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स के अंदर किसी भी ईयर इस लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर रहा, देन उस केस के उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट एज पर लॉ नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन का केस। सबसे पहली बात तो ये जो प्रोफेशन का पॉइंट है ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम रीड करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोफेशन मेंशनड है, मेडिकल है, लीगल है, अकाउंटेंसी है, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, कंपनी सेक्रेटरी, इंटीरियर डेकोरेटर, एनी अदर प्रोफेशन विच मे बी नोटिफाइड बाई CBDT। तो इन सब प्रोफेशन के केस में अगर ग्रॉस रिसीट 150,000 से अबव है इन ऑल थ्री प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब हमने बिजनेस का केस किया था उसमें था कि तीन में से किसी भी साल वो लिमिट है वो क्रॉस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस प्रीवियस ईयर हम देख रहे हैं उसके उससे प्रिसीडिंग थ्री प्रीवियस ईयर के अंदर तीनों साल ये लिमिट सेटिस्फाइड होना जरूरी है। मतलब तीनों साल जो ग्रॉस रिसीट है वो 150,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और लाइकली टू एक्सीड इफ़ प्रोफेशन इज़ न्यूली सेटअप। तो ये पॉइंट वैसा ही है कि अगर न्यूली सेटअप है तो हमें लग रहा है कि ये 150,000 से अबव जाएगा, तो उस केस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी नेसेसरी है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है, तो ये बोलता है असेसी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द रूल 6F, अदरवाइज ही इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच एओ इज एबल टू कंप्लीट द असेसमेंट। तो ये क्या बोलता है, अगर वो इन लिमिट को सेटिस्फाइड करता है तो असेसी को जो रूल 6F में लिखी हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन करनी जरूरी है, लेकिन अगर वो इन लिमिट्स के अंदर नहीं आता फिर भी उसको इतनी सफिशियंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी जरूरी है जिससे एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सके। तो हमने बिजनेस के केस में देखा था कि अगर वो लिमिट्स के अंदर नहीं आता तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ मेंटेन करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशन के केस के अंदर अगर वो लिमिट्स के अंदर नहीं आता तो उसको उतनी सफिशिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है जिससे एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सके, और अगर वो लिमिट्स के अंदर आता है तो रूल 6F में जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखी हुई है उतनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब हम रीड करते हैं रूल 6F। तो रूल 6F के अंदर लिखा हुआ है क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, तो कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपी ऑफ बिल एक्सीडिंग 25 रुपीज़, मतलब 25 रुपीज़ से ऊपर के जितने भी बिल हैं उसकी कार्बन कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी, और 50 रुपीज़ से ज़्यादा के जितने भी बिल हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उस केस में डेली कैश रजिस्टर भी एंड मेडिकल इन्वेंट्री रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा ये बोलता है अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस केस में 25,000 तक की पेनल्टी हो सकती है अंडर सेक्शन 271A। तो इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो है सेक्शन 44AB, जो बोलता है टैक्स ऑडिट जो कि कंपलसरी है। अब ये किसको कराना कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि बिजनेस के केस में अगर टर्नओवर एक्सीडिंग 1 करोड़ है, प्रोफेशन के केस में अगर ग्रॉस रिसीट एक्सीडिंग 50 लाख है, और अगर ये दो बाकी के दोनों पॉइंट हम पहले रीड कर चुके हैं कि अगर 44AD और ADA के अंदर अगर वो 6%, 8% या 50% प्रोफेशन के केस में तो उससे कम अगर इनकम दिखाता है एंड उसकी NTI इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, देन उस केस में उसको ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। एंड 44AE, 44BB और BBB के केस में अगर उन सेक्शन में प्रेस्क्राइब लिमिट से कम अगर इनकम दिखाता है SSC, तो उस केस में भी ऑडिट करवानी नेसेसरी है, ठीक है। एंड ये ऑडिट कौन करेगा, तो ये CA करेगा, एंड ड्यू डेट क्या है, 30th September ऑफ असेसमेंट ईयर। और यहाँ पर पेनल्टी कितनी है, तो ये बोलता है 0.5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर की पेनल्टी होगी अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है।
इसके साथ ही हमारा टैक्स ऑडिट का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 44C, जो क्या बोलता है कि अगर कोई हेड ऑफिस है वो फॉरेन के अंदर है एंड उसकी ब्रांचेस इंडिया में है एंड हेड ऑफिस क्या करता है ब्रांचेस में कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर का एलोकेशन करता है, तो वो एक्सपेंडिचर कैसे अलाउ होंगे। तो ये बोलता है कि जो भी ब्रांचेज इंडिया में है तो उसका जो भी नॉर्मल PGBP होता है वो हम सेक्शन 28 से लेके 44D तक अप्लाई करके और कंप्यूट करेंगे। इसके अलावा जो भी एलोकेशंस होंगे वो कैसे यहाँ पर अलाउड होंगे, तो उसके लिए ये बोलता है हमें क्या करना है, 5% ऑफ दी एडजस्टेड टोटल इनकम लेना है और उसको कंपेयर करना है एक्चुअल जो भी एलोकेशंस हुए हैं उनसे, और इसमें से जो भी लोअर होगा उतना अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगी, तो उसके लिए ये बोलता है ATI कैसे कंप्यूट करनी है, इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू, मतलब इनकम इन सब ये जो भी लिखे हुए हैं 3 पॉइंट्स, इससे पहले की जो भी इनकम होगी वो ATI बोलेंगे उसको। तो ये क्या बोलता है, बिफोर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, बिफोर ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एंड जो भी चैप्टर 6A की डिडक्शन अलाउ करते हैं उसको करने से पहले की जो इनकम है वो हमें लेनी है एंड उसका यहाँ पे 5% कंप्यूट करेंगे। इसके अलावा ये बोलता है कि अगर ATI हमारी नेगेटिव आती तो उस केस में क्या करेंगे, तो अगर हमारी ATI नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, पिछले 3 सालों की जो एवरेज ATI है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 44DB, जो बोलता है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक्स का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब अमलगमेशन, डी मर्जर, सक्सेशन कुछ भी हो रहा है, तो जो भी सेक्शन 35D, 35DD, 35DDA और सेक्शन 32 की जो भी डिडक्शंस होती है जो हम पहले रीड कर चुके हैं उनको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे टाइम बेसिस पर प्रीडिसेसर और सक्सेसर में। मतलब हम क्या करेंगे कि पूरे साल के जो भी 365 डेज में से हम डेज को प्रोपोर्शनेट करेंगे, इन एक्सपेंसेस को डेज के रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर देंगे। तो बहुत ही ईजी सा सेक्शन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है रूल 9A, जो बोलता है टैक्सेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो भी प्रोड्यूसर है उस पर रूल 9A एप्लीकेबल होता है एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर रूल 9B एप्लीकेबल होता है। तो बहुत सी सिंपल सा रूल है, क्या बोलता है बेसिकली कि जो भी फिल्म को बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस लगे उसको कैसे अलाउ करेंगे। तो ये बोलता है कि अगर जो भी फिल्म प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उसने अपने सारे राइट्स किसी और को सेल आउट कर दिए, मतलब फिल्म को रिलीज़ करने से रिलेटेड सारे जो भी राइट्स थे वो किसी और को सेल आउट कर दिए, तो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो उसको उसी प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएंगे जिसमें उसने सेल आउट किया। तो इस चार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ही सेल्स ऑल राइट देन 100% कॉस्ट अलाउड इन द सेम प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट ये बोलता है अगर वो खुद अपने पास में रखता है राइट्स, या फिर वो क्या करता है कुछ एरिया से रिलेटेड राइट्स अपने पास रखता है और कुछ एरिया से रिलेटेड सेल आउट कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर फिल्म रिलीज़ नहीं होती प्रीवियस ईयर में तो उस प्रीवियस ईयर के अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है इफ़ फिल्म नॉट रिलीज इन द प्रीवियस ईयर दैन नो डिडक्शन इन दिस प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट बोलता है रिलीज फॉर एटलीस्ट 90 डेज इन प्रीवियस ईयर दैन 100% कॉस्ट अलाउड इन द सेम प्रीवियस ईयर। अगर 90 दिन हो गए कम से कम रिलीज हुए हुए तो उस केस में 100% डिडक्शन मिलेगी, एंड अगर लेस देन 90 डेज हुआ है तो उस केस में 100% ऑफ द कॉस्ट और अमाउंट रिलाइज अलाउड एज डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर। ये क्या बोलता है, 100% ऑफ कॉस्ट और जितनी भी फिल्म को रिलीज़ करने से हमें जो भी रेवेन्यू हुआ उसको कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो उस प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि अगर कोई फिल्म है वो बंद तो गई लेकिन रिलीज़ नहीं हुई, उसको बोलता है एबेंडन फिल्म, तो उस केस में क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी उसको हम एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे एंड वो अलाउ हो जाएगी एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक CBDT का सर्कुलर आया था जिसमें ऐसा बोला गया था। इसके साथ ही हमारा ये रूल भी कंप्लीट होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक छोटी सी सेक्शंस हैं जो आपका होमवर्क है, फिर भी आपको बेसिक आइडिया मैं इसका दे देती हूँ। क्या बोलता है सेक्शन 42, जो भी मिनरल माइंस होती है उसके एक्सट्रैक्शन, प्रोस्पेक्शन, ये सब से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनको यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर के अलाउंस होते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, इसके केवल नाम आपको याद रखने हैं, तो आपको आप जाके इसको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा PGBP फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से सारे इसके कंसेप्ट क्लियर कर सकूं एंड आपको एक एक सेक्शन अच्छे से समझा सकूं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।